आगे बढ़ते हैं। अब उद्योग संगठन एसोचैम ने कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सरकार से उपाय करने की मांग की है। आपको बताएं कि कॉरपोरेट बॉन्ड को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सरकार को कई सुझाव भी दिए गए। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव बातचीत में एसोचैम प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर स्थिति चिंताजनक है, लेकिन हालात जल्द सुधरेंगे। जो आज हमने कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई हमने सुझाव दिए। एक सुझाव तो ये है कि कैसे क्रेडिट एनहेंसमेंट किया जाए। पर्टिकुलरली आज हमको 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि 5 सालों में 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनानी है। अगर वो हमें कुछ करना है तो उसके लिए मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट में डेप्थ चाहिए। और हमने एक जो सबसे बड़ा सुझाव दिया है आज कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड मार्केट में कैसे बॉन्ड को जो रेटिंग है उनकी, अगर आपकी डबल ए रेटिंग है तो वो ट्रिपल ए हो जाए और ए है तो डबल ए हो जाए, उसके लिए क्रेडिट एनहांसमेंट का हमने एक सुझाव दिया। इसके अलावा एक चीज़ और, स्टैम्प ड्यूटी की भी बात की, तो वो कितना महत्वपूर्ण है कॉस्टिंग के लिहाज से? वो क्या है कि आज अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉस्टिंग है, अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी है छोटे बॉन्ड की और बड़े बॉन्ड की। तो देन यू आर स्मॉल इश्यूएंस में उसकी कॉस्ट बहुत बड़ा एक मायने रखती है। तो हमने एक बोला कि एक उसको स्ट्रीमलाइन, गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और एक एक फिक्स 2 या 3 स्लैब बना दिए जाए, जिससे कि अलग अलग स्टैम्प ड्यूटीज और अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो नहीं लगे। सर, अब इकोनॉमी के फ्रंट पे आपसे समझना चाहूँगा, एसोचैम कई सारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो अभी स्थिति सही में काफ़ी चिंताजनक है? चिंताजनक तो है, आई मीन उसको हमने कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट में बात की है। और लास्ट हमने जो 2-3 वीक्स में जो महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जो ने डिसीजन लिए हैं और जो आगे लेने वाले हैं, और इस वीक में भी अनाउंसमेंट आने वाले हैं, रियल एस्टेट का बाकी है। तो मुझे लगता है कि अभी ये क्वेश्चन ऑफ टाइम है कि 3-4 महीने की और बात है। आई थिंक अभी हम इस पूरे सिचुएशन का यू टर्न देखें, लगता है मुझे यू टर्न हो जाएगा।